दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल घूमे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और अब तो कहानी और भी धमाकेदार, क्योंकि यहाँ पर भवानी के सामने जैसे ही पत्रलेखा का असली चेहरा आएगा, वो खुद ही अब पत्रलेखा के खिलाफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सम्राट पत्रलेखा के खिलाफ हो चुका है, और अब घर वालों के सामने भी ये सच आ जाता है कि पत्रलेखा आखिर करना क्या चाहती है। और सम्राट साफ साफ सवाल करता है, और पत्रलेखा का अब जो इमोशनल ड्रामा है वो उस पर बिल्कुल नहीं चलने वाला, और वो जो उसे झूठ का प्यार, झूठे प्यार का नाटक कर रही है, वो सारा सच अब घर वालों के सामने आ जाता है। और उसके बाद भवानी काकू भी गुस्सा होते नजर आती है, और उसके बाद में भाई सच जैसे ही सामने आएगा और सही भी कह देगी। रेस्टोरेंट में उस दिन भी ये फूट फूट कर सब विराट सर के सामने रो रही थी, तो वो ड्रामा अब पत्रलेखा दीदी हम यहाँ मत करिए, क्योंकि वहाँ पर विराट सर पिघल गए होंगे लेकिन हम नहीं पिघलने वाले। और उसके बाद ने सही कहा, उसको तो पता ही है कि वो सब नाटक ही कर रही है, और वो सबके सामने ये भी कह देती कि मैं इसीलिए शामिल नहीं होना चाहती थी कि ये नौटंकी ही तो चल रही है, यहाँ पर कोई सच का प्यार का रिश्ता तो जुड़ नहीं रहा है। और उसके बाद ने सबके सामने जब पत्रलेखा उससे जब पूछा जाता है कि क्या सच यही है कि तुम रेस्टोरेंट में उस दिन इस तरह से रो रही थी, तो सम्राट का तो होश उड़ते ही है, भवानी की भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या सीन चल रहा है भाई। यहाँ पर पत्रलेखा एक तरफ पूजा करवा रही है, दूसरी तरफ विराट से अपने प्यार की भीख मांग रही थी। तो उसके बाद ने यहाँ पर सबके होश तो उड़ते ही हैं, और अब भवानी काकू पत्रलेखा से खुद पूछते नजर आती है और कहती है कि सम्राट को जवाब दो। पत्रलेखा, सम्राट क्या पूछ रहा है? और उसके पास में कोई जवाब नहीं होता है, और सम्राट कहता है मुझे अपना जवाब मिल चुका है काकू, और बड़ी मामी मुझे तो जवाब मिल ही गया है। और इसके बाद ने भवानी भी केवे पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस बहू को वो इतना मानती है वही सबसे झूठ बोल रही है, और वो भी इतना बड़ा झूठ कि वो रिश्तों के साथ में ही खेल रही है, और इस झूठ के सामने तो सबसे सारे झूठ ही फीके पड़ चुके हैं, और भवानी का गुस्सा उस पर फूटने वाला है और उसको थप्पड़ मार देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सम्राट की फीलिंग्स और घर वालों की फीलिंग्स के साथ खेलना, पूजा झूठी पूजा रखवाना, ये सब कुछ अब पत्रलेखा ने करवाए हैं, और इसी बात पर भवानी का गुस्सा फूटेगा और इसको जोरदार थप्पड़ भी पड़ने वाला है। अब देखना है कि पत्रलेखा क्या अब भवानी को अपनी बातों में फंसा पाएगी।